शादी के संगीत के लिए मैंने अभी से बॉम्बे के दो फेमस डीजेस को बुक कर लिया है। भाई क्या करें, पहले पोते की शादी है ना, घर में धूमधाम होना चाहिए। हाँ, आपके यहाँ तो घर वाले और आस पड़ोसी मिलके गीत गाएंगे ना? हाँ, वैसे कहते हैं कि शादी में अगर माँ और बहनें गीत गाएं तो दूल्हा दुल्हन खुश रहते हैं। अरे क्षितिज आओ ना, देखो कौन है। कैसे हो बेटा? जीते रहो, खुश रहो। क्षितिज अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं, तुम्हें अपनी मन की जो भी करनी है कर लो, क्योंकि शादी के बाद कुमुद तुम्हें कुछ करने नहीं देगी। क्यों, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अरे माँ, एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। अब तो खुश हो ना, तुम्हें और कुमुद को सबसे ज्यादा जल्दी थी शादी की। आज हमने सब फिक्स कर लिया है, 1 महीने के बाद मेहंदी और संगीत है, ठीक है ना? जी, मुझे कुछ जरूरी काम है, उसे खत्म करना है। जा। इसे तो हर वक्त काम की पड़ी रहती है। हाँ नकुल, पापा ने मुझे ये फाइल्स आपको देने को कहा है। उनका कहना है कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोजेक्ट सब आप संभालेंगे, मैं नहीं। नहीं नकुल, ये सारी फाइल्स तुम अपने पास रखो, ये प्रोजेक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट सब तुम संभालोगे, आने वाले समय में सब तुम ही को करना है, इसलिए कि मैं जानता हूँ तुम बहुत टैलेंटेड हो, बस ज़रूरत है तो सिर्फ अपने रास्ते को सही करने की। माँ और पापा तुम्हें बहुत चाहते हैं नकुल, और इसलिए डांटते हैं ताकि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझ सको। समझो नकुल, बहुत खुशनसीब होते हैं वो बेटे जिन्हें माँ बाप के लिए कुछ करने का मौका मिलता है, उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने का मौका, वरना कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके नसीब में उनसे दूर जाना लिखा होता है। भैया अपना फर्ज निभाना नकुल, ये को क्या हो गया? कल तक तो मुझे डांट रहे थे और आज कुमुद, क्या हुआ बेटा? मां मुझसे गर्व की हालत देखी नहीं जाती अब, कली ने ठीक नहीं किया उसके साथ। कली ना बेटा, तुम्हारा गर्व की तकलीफ के बारे में सोचना सही है, लेकिन तुम सिक्के के सिर्फ एक पहलू को देख रही हो, तुम्हें कली की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही। जो हुआ उससे वो भी कितनी परेशान है, उसके बारे में भी सोचो। नहीं सोचना मुझे कली के बारे में, आप नहीं जानते उसने कितने लोगों को चोट पहुंचाई है, कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाई है। मां सारी गलती कली की है, गर्व का कोई कसूर नहीं है। कैसे बताऊं कुमुद को, कैसे? अरे जब वो इतनी सी बात नहीं बर्दाश्त कर पाई कि गर्व का प्यार से दूर हो गया, तो वो ये बात कैसे बर्दाश्त करेगी कि उसका खुद का प्यार उसे हमेशा के लिए दूर जाने वाला, और वो सिर्फ चंद दिन का मेहमान। नहीं, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यू हैव कैंसर, कितना समय मेरे पास डॉक्टर साहब? 8 या 9 हफ्ते। हे भगवान, मैं क्या करूं? लेकिन उसको बताना तो पड़ेगा, मैं इतना बड़ा सच उससे कैसे छुपाऊं?
नहीं छुपा सकता। मुझे उसको बताना पड़ेगा। भैया आपके फ्रेंड का फोन है दिल्ली से। कौन अमन? हाय अमन। हाय गर्व, कैसा है? बड़ा बेशर्म है यार, चुपचाप ही सगाई कर ली और मुझे बताया तक नहीं। भाई क्यों बताएगा, अब तुझे अपना प्यार जो मिल गया है फिर दोस्तों की क्या जरूरत। वैसे शादी से पहले का ये टाइम सबसे अच्छा होता है, जब अपनी फियांसी के साथ फोन पर बात करते हैं और घूमते हैं। क्यों, वैसे हमारी गली भाभी कैसी है? क्या हुआ यार, तू बोलता क्यों नहीं? हाँ बता ना, भाभी कैसी है? भैया, भैया क्या हुआ, क्या हुआ भैया? क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? क्यों? जिसे मैं भुलाना चाहता हूं लोग मुझे उसी की याद दिलाते हैं। कली, मैं कली को नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव। उसे मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। Hey guys, हम लोग आउटिंग के लिए बाहर तो आ गए लेकिन ये तो डिसाइड ही नहीं किया कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। Royal Palms. मुझे बात करने दोगी? नहीं कली, जब तक हम ये डिसाइड नहीं करते हम कहाँ जाएंगे तब तक तुम बात नहीं कर सकती, वरना मोनिका हमें फिर से उस जगह लेके जाएगी और बोर करेगी। बोर जगह वो नहीं है जहाँ मैं ले जा रही हूँ, बोर जगह वो है जहाँ ये लेके जा रही है। ऑल राइट, वेट 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 वेट, मैं तुम्हें बताती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग रॉन्डेवू लाउंज बार जा रहे हैं। ओके नकुल? That's a great plan. I really don't mind. Let's go to Rendezvous Lounge. Let me talk. Let me talk. Hello. Hello, Kali. Karf बोल रहा हूँ। Kali, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुमने मुझे फोन क्यों किया गर्व? तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। किस हक से तुम मुझसे चिल्लाकर बात कर रहे हो? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। मैं चिल्लाऊंगा, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। Is that clear to you? और अगली बार मुझे फोन मत करना। वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। वो नकुल के साथ रेंडेवू लॉन्च बार गई, मैं यहाँ जल रहा और वो वहां खुशियां मना रही है। भैया करीमा, मैं कली को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, उसे मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा, उसे मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। भैया भैया रुको तो, भैया गॉड, भैया कुछ करना बैठे हैं, मुझे कुमुद को बताना ही होगा। कली तुम भी बड़े लकी हो, कितने लड़के तुम्हारे फैन हैं, एक तुम्हें पार्टी दे रहा है और एक तुमसे बात करने के लिए कितना तड़प रहा है। Excuse me, what you trying to say? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? Just chill, नकुल। ये मेरा फैन नहीं, मैं इसकी फैन हूँ। और वो दूसरा? वो तो एक नंबर का फूल है, जानता है कि मैं नकुल से प्यार करती हूँ फिर भी मेरे पीछे पड़ा है। You know what? वो इधर को लड़की पटानी नहीं आती, अब ऐसी कोई पटती है लड़की? Oh my God! नकुल, तो लड़की कैसे पटाई जाती है? All right. उसके लिए गट्स की जरूरत होती है। और अगर नकुल जैसी नशीली आंखें हो तो? All right, guys. Let's make a toast. To Kali and me. Cheers! Cheers!
तुम यहाँ भी आ गए हमारी पार्टी खराब करने। तुम्हें अपनी पार्टी की पड़ी और मैं यहाँ? क्या बिगाड़ा था मैंने कल तुम्हें? क्यों तुम ऐसा कर रही हो मेरे साथ? क्यों तुम नकुल के साथ मिलके मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? Tell me, Kali, why are you doing this? फिर से वही बेकार के सवाल। बेकार के सवाल? मैं यहाँ तड़प रहा हूँ और तुम यहाँ खुशियाँ मना रही हो। कभी अगर ये मेरे साथ करना ही था, मुझसे सगाई क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की करी? क्यों? इसलिए क्योंकि तुम्हारी ये डेस्टिनी में लिखा है। इसलिए क्योंकि तुम मेरे और नकुल के बीच में। इसलिए क्योंकि तुम्हें ये सब भुगतना था। और अब तुम भुगतो, भुगतो, भुगतो। करी, मैं तो तुझे मार भी नहीं सकता क्योंकि मैंने तुझसे प्यार किया। तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया। अकेली मेरी खुशी, मेरे मां बाप की खुशी, मेरे सपने, सब कुछ कली, सब कुछ। बहुत गलत किया है तुमने कली, बहुत गलत। What the hell is this? यहां पे तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? मैं कुमुद को सब कुछ सच सच बता दूंगा, इसी में उसका भला है। एक बार उसे सदमा तो जरूर लगेगा, लेकिन उसे इस सच को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। कहां होगी वो भी? घर पर तो है नहीं, कहीं गर्व के यहां तो। हेलो। हेलो करीमा, मैं क्षितिज बोल रहा हूँ। कुमुद है वहां? नहीं, एक्चुअली मैंने उसे रेंडेवू लॉन्च बार भेजा है क्योंकि गर्व भैया भी वहां गए हैं ना। क्षितिज एक्चुअली क्या था कि मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करता। चलो अच्छा है, कुमुद गर्व के साथ। भगवान करे वो हमेशा के लिए गर्व के साथ को ही चुन ले। मैं उन दोनों से कह दूंगा कि मैं। लेकिन उसके बाद भी कुमुद राजी नहीं हुई तो क्या गुजरेगी उस पर? क्या करूं मैं? हे भगवान, क्या करूं मैं? मेरी बात सुनो गर्व। गर्व, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम यहाँ कली से मिलने आए थे? क्यों अपनी नजरों में अपने आप को ही गिरा रहे हो गर्व? करूं तो क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिससे मैंने इतना प्यार किया, इतना चाहा, उसी ने मुझे धोखा दिया, उसी ने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, उसी ने मेरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। कुमुद, मैं कली को माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। कली को जो करना था सो किया, तुम उसे भूल के नहीं जाते। मेरी बात मानो, निकाल दो उसे अपने दिल से, निकाल दो उसे अपनी यादों से। ये तुम क्या कह रही हो कुमुद? जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, जिसने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, मैं उसी को भूल जाऊं? अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती कुमुद? उसे भूल जाती? हाँ गर, मैं उसे भूल जाती, निकाल देती उसको अपने दिल से, निकाल देती उसको अपनी यादों से। चोट पहुंचती ना, दुख होता, लेकिन फिर भी मैं उसको पलट के देखती नहीं। और तुम्हें भी वही करना है गर्व। कहना बहुत आसान होता है कुमुद, बहुत आसान। तुम बताओ, क्या तुम क्षितिज को भूल सकती हो? बताओ कुमुद, क्या तुम क्षितिज को भूल सकती हो? क्षितिज और मेरा रिश्ता अलग है गर्व, मैं उससे प्यार करती हूँ। अगर कल को हमें अलग होना पड़ा ना तो दुख जरूर होगा, लेकिन अगर ऐसा किसी ने मेरे साथ किया ना तो मैं उसे बुलाने में एक पल भी नहीं लगाऊंगी। कुमुद, इतना आसान नहीं होता किसी को भूल पाना।
मैंने कल इससे प्यार किया है, मैं नहीं भूल सकूंगा उसे, नहीं भूल सकूंगा। किससे प्यार करते हो तुम? उससे जिसने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, सिवाय नफरत के और तुम्हें कुछ नहीं दिया। धोखा देती रही, झूठ बोलती रही तुमसे, उससे अपनी जिंदगी बनाना चाहा जिसने तुम्हारी जिंदगी के बारे में एक पल भी नहीं सोचा। उसके साथ के लिए तुम तड़पते रहे, उसके साथ के लिए जिसने किसी और का साथ देखे तुम्हें तड़पाया। कली तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है गर्व। बस गर्व, प्लीज मत रो, मेरी खातिर रोना बंद कर दो, प्लीज प्लीज गर्व, प्लीज। गर्व मेरा बहुत अच्छा दोस्त है शिद्रिच, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, एक लड़की जो तुमसे बेहद प्यार करती है और तुम भी उसे इतना प्यार करते हो, फिर तुम्हें खोने का एहसास कैसे हो सकता है? तो यह गुल खिलाया जा रहा है मेरे पीठ के पीछे। वेरी नाइस, बहुत खूब। प्यार किसी और से और प्यार का नाटक किसी और से। क्षितिज, क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो? अगर आज मैंने खुद अपनी आंखों से सब नहीं देखा होता तो शायद मुझे भी यकीन नहीं होता, लेकिन आज अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे मालूम है कि क्या रिश्ता है तुम दोनों का मेरे पीठ के पीछे। क्षितिज, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी बातें करते हुए? शर्म? शर्म तो आती है, मगर तुम दोनों को इस तरह देख के, अरे मैं तो समझता था कि तुम एक दोस्त को सांत्वना दे रहे हो, नहीं मालूम था कि तुम उसकी जिंदगी में कली की जगह ले रही हो। क्षितिज, क्या बोल रहे हो तुम? हो क्या गया है तुम्हें? क्षितिज, ये तुम क्या कर रहे हो? मत छू मुझे, इन हाथों से तुमने मेरा प्यार छीना। अरे तुम तो दोस्ती के नाम पर एक बदनुमा दाग हो, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। मेरा दोस्त होते हुए तुमने इतनी घटिया हरकत छी। क्षितिज, क्या बोल रहे हो तुम? मेरे और गर्व के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, मेरा यकीन। दूर रहो मुझसे, सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं, देख चुका हूं कि तुम दोनों कितने गिर चुके हो। बस हो गया क्षितिज, बस हो गया, बहुत बोल चुके तुम। जो कुछ भी तुम्हारे मन में आ रहा है तुम बखे चले जा रहे हो। तुम तो मेरे बीच कुछ नहीं है क्षितिज, कुछ नहीं है। चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाता है गर्व, अभी तक तो सिर्फ लोग कहते थे, आज खुद मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम दोनों के बीच में क्या है और क्या नहीं। अरे मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब अभय अंकल ने कुमुद से अपने ऑफिस में काम करने को कहा, लेकिन उसने तुम्हारे खातिर मना कर दिया था। क्षितिज, बस करो क्षितिज, बस करो, बस करो, वरना 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 क्या? अगर क्या, यू वांट टू हिट मी? हाँ, कम ऑन, हिट मी, यू वांट टू हिट मी? नो, कम। क्या ये साबित नहीं करता है गर्व कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कुछ।